सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है और हर भक्त लगा हुआ है महादेव को खुश करने में ताकि उनका आशीर्वाद पा सके। ये महीना कावड़ यात्रियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वो हरिद्वार से गंगा जल भर के पैदल चलते हुए एक महीने का पूरा समय लगाकर अपने घर आते हैं और शिवलिंग पर उस गंगा जल को अर्पित करते हैं। वैसे तो शिव जी के बारे में हर कोई अलग अलग ज्ञान की बातें बताता रहता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के सबसे ऊंचे दिखने वाले 10 शिवलिंग के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है नक्षत्र और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल का बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बात करते हैं भारत के सबसे ऊंचे शिवलिंग की, जो कि स्थित है असम के नागांव शहर में। इस मंदिर का नाम है महामृत्युंजय मंदिर, जहां 126 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया गया है। दरअसल इस मंदिर को शिवलिंग के आकार में ही बनाया गया है, जिसको देख के भक्त यहां आकर्षित होकर चले आते हैं और सावन के महीनों में हर भक्त एक बार यहां जरूर आना चाहता है। ये मंदिर ठीक उसी जगह बनाया गया है जहां गुरु शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं चेनकल महेश्वरम श्री शिवपति मंदिर के बारे में, जो कि केरला के चेनकल शहर में स्थित है। यहां से शिवलिंग की ऊंचाई 111.2 फीट लंबी है, जो कि भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ऊंचाई शिवलिंग है। इस मंदिर में बहुत से मेडिटेशन हॉल्स बनाए गए हैं जहां भक्त आके स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाते हैं। बढ़ते हैं सफर में आगे और बात करते हैं कोटिलिंगेश्वर मंदिर के बारे में, जो कि कर्नाटका के कोलार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसकी ऊंचाई 108 फीट की है, जिसको देखने के लिए हर साल 2 लाख से ज्यादा डिवोटीज यहां आते हैं। इस मंदिर में नंदी का भी एक बड़ा स्टैचू लगाया गया है, जिसके आसपास बहुत से छोटे बड़े ज्योतिर्लिंग बसे हैं, जो कि 1 लाख से ज्यादा की तादाद में है। अब बात करें अगले भारत के चौथे सबसे ऊंचे शिवलिंग के बारे में, तो यहाँ नाम आएगा झारखंड के स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसे स्वर्णरेखा शिव धाम का, जहाँ से शिवलिंग की ऊंचाई 108 फीट की है। यह मंदिर पूरा शिवलिंग के आकार में ही बना है, जिसका सिर्फ एक दरवाजा ही केवल 10 लाख का है, जिसका निर्माण दक्षिण भारत के शिल्पकारों ने किया है। मंदिर ट्रस्ट ने यह कहना है कि उन्होंने कभी इतना बड़ा शिवलिंग बनाने का सोचा ही नहीं था, बल्कि इसका निर्माण करते हुए प्रभु इच्छा से ये शिवलिंग इतना विशाल बन गया। बढ़ते हैं सफर में आगे और बात करते हैं अगले सबसे ऊंचे शिव मंदिर के बारे में, जो स्थित है झारखंड के बगोदर शहर में, जिसका नाम है हरिहर धाम। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई 65 फीट की है, जो कि भारत में सबसे ऊंचे शिवलिंग के 5वें स्थान पर आता है। श्रावण पूर्णिमा और नाग पंचमी जैसे त्योहारों पर इस मंदिर में बहुत से लोग अलग अलग जगहों से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ की अनंती का आनंद उठाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक और प्रसिद्ध मान्यता है कि यहाँ हर साल 1000 से भी ज्यादा जोड़ों की शादी की जाती है, यानी कि यह कह सकते हैं कि जिसकी शादी का योग नहीं बन रहा हो, इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही उसकी शादी तय हो जाएगी। बढ़ते हैं सफर में आगे और दर्शन करते हैं एक और शिव मंदिर की, जो स्थित है तेलंगाना में, जिसका नाम है वेद साई महालिंगेश्वर मंदिर। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई 63 फीट की है, जो कि भारत में 6वें नंबर पर सबसे ऊंचा मंदिर है। ये शिवलिंग मंदिर परिसर में ही स्थापित है, जिसका निर्माण POP और अन्य मजबूत धातुओं से किया गया है। इसके साथ ही एक बड़ा सा त्रिशूल भी स्थापित है और इसके साथ ही एक बड़ा सा पोडियम भी लगाया गया है, जिसके जो कि ऑलमोस्ट शिवलिंग की ऊंचाई का है, जिसके ऊपर भक्त चढ़ के पाइप की मदद से शिवलिंग पर जल अभिषेक किया करते हैं। चलते हैं सफर में आगे और दर्शन करते हैं अगले शिव मंदिर की, जो स्थित है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में, जिसका नाम है कालाहांडी महालिंग, जिसे गांव के नाम पर ही रखा गया है और इस गांव के लोगों द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई 55 फीट की है, जो भारत में 7वें नंबर पर आता है। इस शिवलिंग को मंदिर के ऊपर स्थापित किया गया है और अब इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग उड़ीसा शहर में आते हैं। बढ़ते हैं सफर में आगे और बात करते हैं अगले शिव मंदिर के बारे में, जो स्थित है तमिलनाडु के थंजावुर में, जिसका नाम है बृहेश्वर मंदिर। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 29 फीट की है और साथ ही यहाँ 13 फीट ऊंची नंदी की मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, जैसे अन्य साउथ के मंदिरों में देखा जाता है। इस मंदिर का निर्माण चोला साम्राज्य के राजा एक ने करवाया था, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन चुका है।
दुनिया के सबसे पुराने मंदिरों में से एक ये नाम भी शामिल होता है, जिसकी एक खासियत ये भी है कि इसका निर्माण ऐसे किया गया है कि कड़ी धूप में होने की वजह से भी इस मंदिर की परछाई यानी शैडो नहीं बनती। बढ़ते हैं सफर में आगे और बात करते हैं अगले शिव मंदिर की, जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश के सुभानसिरी डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम है सिद्धेश्वर नाथ मंदिर। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई 25 फीट की है, जो कि पूरे भारत में 9वें नंबर पर आता है। इस मंदिर के नीचे के हिस्से में साफ पानी की धारा बहती है, जिसके लिए लोगों का मानना है कि वो स्वयं गंगा नदी है। साथ ही साथ इस मंदिर की मान्यता ये भी कहती है कि यहाँ एक बार दर्शन मात्र से ही आपकी जिंदगी भर के सारे पाप माफ हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज के सफर की आखिरी मंजिल तक और दर्शन करते हैं आखिरी शिव मंदिर के, जो स्थित है छत्तीसगढ़ के गरियालबंद जिले में, जिसे भूटेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 20 फीट की है, जो कि ऐसी मान्यता रखता है कि हर साल इस शिवलिंग की ऊंचाई प्राकृतिक रूप से बढ़ रही है। गांव के लोगों का ये भी मानना है कि ये शिवलिंग एक अर्धनारेश्वर शिवलिंग है, जिसका सावन के समय में बहुत से कांवड़ यात्री दर्शन करने आते हैं और साथ ही साथ जल अभिषेक भी करते हैं। तो आज के सफर पर यहीं विराम लगाते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी और लेके चलेंगे आपको ऐसे ही महादेव से जुड़े सफर पर। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और देखते रहें ABP Live पॉडकास्ट।